अपनी सोसाइटी के लिए रत्ना क्रिकेट खेलते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है और ये आयोजन के लिए आप क्या कहना चाहोगे पूरे कमेटी मेंबर्स के लिए? राहुल कैच रे। देखिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा जितने भी सांगवी टावर के जितने भी जो कमेटी मेंबर थे उनको कि एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी ये दिया हुआ है कि मैं ये जो टूर्नामेंट है वो लाइव करूं। और दूसरी चीज़ जैसे कि आपने बताया कि एक प्रॉपर एक सिर्फ टावर का टूर्नामेंट है तो मुझे टावर का जो टूर्नामेंट है, मतलब मैंने कम से कम 2000+ इवेंट्स लाइव किए अब तक, मैंने बहुत ही कम देखा हुआ है कि एक टावर का टूर्नामेंट इतने अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे करा है। तो ये गुप्ता जी बहुत ही सराहनीय है, जो हमारे जो विनर भाई हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि एक प्रॉपर टावर का टूर्नामेंट एक छोटा टूर्नामेंट है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि ये अभी तो छोटा है लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जो भी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे, जो मैं देख रहा हूँ सुबह से, ये टूर्नामेंट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली बहुत ही बड़ा होने वाला है। डेफिनेटली क्योंकि सभी को यहाँ पर मौका दिया है, सीनियर से लेकर जूनियर तक सभी खिलाड़ियों को मौका दिया है। इस एक बार आयुष यारों को भी लेकिन दिशा से भी गलत है अगर उनके अगर पूरे हैंड के पाम से उनको देखा जाए पूरे तो गेंद हालांकि प्रॉपर ग्रिप उनके हाथों में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उनके जज्बे को यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फिजिक कर रहे हैं अंदर की तरफ गेंद को आ रहे हैं, जब बाहर की तरफ ये ऑफ साइड में नेट पर लगी है, डबल डबल का ओवर है और युवाओं को इस वक्त प्रोत्साहन दिया है। देखिए जैसे कि आपने आयुष की जो बात किया, मतलब मैंने बता रहा हूँ जो तरह सीखने जो टूर्नामेंट के आज तक हिस्ट्री में इतना छोटा बच्चा इतने बड़े लोगों के बीच में खेलकर मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली हुई है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सोसाइटी के तरफ अपॉर्चुनिटी रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन आता है जब रिएक्शन अभी सीखता है उनको मालूम है कि अरे मैं सीख था रहा, लेकिन फिर भी जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आने वाले टाइम में मुझे ऐसा कैसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो कर क्रिकेट में जैसे शाही में नाम बनाया, अपने यश तोलानी ने नाम बनाया, पहलू भाई ने नाम बनाया, यतिराज फूलू ने नाम बनाया, वैसे आयुष भी अपना नाम बनाएंगे आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही वो परफॉर्म करते रहे तो। फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी की बहुत सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की मौका नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने, लेकिन जो अंतिम गेंद थी आखिरी गेंद थी वो आगे रखी हुई थोड़ी सी और उसके ऊपर भी एक युवा बल्लेबाज ने सामने की तरफ गेंद मिली सामने तरफ उड़ाया और सीधे उसको डिस्पैच किया और बाउंड्री लाइन के बाहर शेयर में कन्वर्ट किया। डबल डबल का ओवर यहाँ पर समाप्त जरूर हुआ है, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। जो भी स्कोरर है मिले वो यहाँ आ जाए, जो भी स्कोरर है 1/24 क्योंकि ये डबल ट्रबल का ओवर है और जैसे आयुष ने जो बॉलिंग किया है तो डबल ट्रबल में बेसिकली यही होता है कि 12/24 6/12 हो जाएगा, मतलब जितना एक रन मारोगे तो 2 रन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो पहली ओवर है काफी अच्छी निकली हुई है आयुष ने जो ओवर डाला हुआ है, छोटे हैं छोटे करके हैं आपका विश्वास बहुत अच्छा देखने मिला, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देखने मिला उनका और आज आपके रिएक्शन की बात की आखिरी मोमेंट होने लगा कि आप गलती बिल्कुल रही है उसके बाद जो फटते से थोड़ा सा उनके चेहरे पर देखने मिला अपनी गेंद पर जहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक शानदार और जबरदस्त सिक्सर आया और दोनों ही युवा बल्लेबाजों ने भी अपना अच्छा शुरुआत की एक पॉजिटिव स्टार्ट यहाँ पर रेड डेविल्स के लिए दिए। पिछले ओवर मुकाबले में 28 रन थे, इस मुकाबले में 4 से थोड़ी से कम है लेकिन 24 भी ऑन कोर्ट बहुत अच्छा स्कोर है पहले ओवर में। जी हाँ 24 तो बहुत अच्छा स्कोर है, जैसे कि आपने बताया जो रिएक्शन था एंड मोमेंट जो रिएक्शन था, क्योंकि बड़ा प्लेयर वही होता है और बड़ा प्लेयर वही बनता है जो अपनी गलती बहुत ही जल्दी रियलाइज कर जाए, तो देखिए ये उम्र में जो गलती रियलाइज किया हुआ आयुष ने बहुत ही बड़ी बात है कि उनको पता चल गया कि मतलब ये मेरी गलती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर और एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर बनकर निकलेंगे यहाँ से। डेफिनेटली क्योंकि अब हर कोई चाहता है, पहले के पेरेंट्स उनका चाहते थे कि ये लोग डॉक्टर बने इंजीनियर बने साइंटिस्ट बने, लेकिन अब डेफिनेटली सभी के फैमिली मेंबर्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक स्पोर्ट प्लेयर बने सबसे पहले, क्योंकि बहुत ग्लैमर मिला है इस प्रकार से हम अजय चोपड़ा को आज की फिलहाल में देख रहे हैं जिन्होंने फिर हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता और बहुत कैश प्राइज देने में सम्मान किया गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तो बात ही कुछ अलग है और जिन्हें मौका मिला वो छा गए और इसी बीच ये फुल टॉस गेंद थी डॉक्टर अर्जुन की, लेकिन
काफी नॉट आउट रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले पैर लगा उसके बाद बॉल को प्ले किया गया और इसी बीच में 1+1 रन दो रन मिलने की आसानी के साथ, क्योंकि जब आपको एक बार स्टंप डेड हो जाती है तो आपको बॉल और सब हाथ पर उठाकर अपील करना पड़ता है। इसी बीच यहाँ पर अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद फाइन बॉल लेंथ के साथ और अर्पिंग डॉक्टर अर्पिंग यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आपने बोला डॉक्टर अर्विंद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जो सेकंड चीज में देखा डॉक्टर अर्विंद ने वो बॉल छुपा के डाल रहे, वो नहीं चाहते कि जो बैट्समैन है वो मेरा हाथ देख के और रीड कर पाए, लेकिन ये देखना है कि कितना कारगर साबित होता है ये बैट्समैन के लिए। ठीक है, इसी के साथ स्कोर बहुत ही तेज जबरदस्त बैटिंग टीम का। आपको बड़े बड़े सितारे जरूर नहीं है लेकिन सितारे जैसे काम यहाँ पर करने पड़ेंगे, पीछे भी एक बार मौका था यहाँ पर हाथ खोलने का लेकिन प्रॉपर यहाँ पर बैट और बॉल कनेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है और केवल केवल मात्र सिंगल निकाल कर स्ट्राइक विकेट भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक ओवर का अगर अटैक भी हो अगर एक ओवर से सिंगल डबल भी आए तो फिटिंग करने वाली टीम और गेंद पार्टी के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना ले जो पकड़ बना ले जो पूरी तरह से। बहुत ही सही आपने बोला कि जब गेंदबाज के ऊपर जब एक दबाव होता है या फिर बैट्समैन के ऊपर दबाव होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो दबाव बनाना भी। और देखिए जैसे कि क्रिकेट जो गेम है पूरा बैलेंसिंग का गेम है, क्रिकेट जो गेम है वो पूरा कैलकुलेशन का गेम है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग टीम को पता है कि हमारे रन तो बन चुके हैं, यहाँ से हमने अगर प्रॉपर कैलकुलेशन से खेला और अच्छे से खेला तो अच्छा स्कोर बोर्ड हम स्कोर बोर्ड में लाए खड़ा कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर बात की जाए अगर फाइनल की मैच 2011 के वर्ल्ड कप पर चर्चा करेंगे जहाँ पर विकेट गया था टोटल दो, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला था, बहुत अच्छे फॉर्म में थे युवराज सिंह, एमएस धोनी को बल्लेबाजी के लिए आए थे, डगआउट में बहुत चर्चा हुई और एक्सपीरियंस क्या होता है ना वो सीधे साहब ने दिखाया, उन्होंने कहा कि धोनी वीकेंड को बस क्योंकि कैप्टन बल्लेबाज ऑलरेडी ग्राउंड पर अवेलेबल था गौतम गंभीर और जी हाँ जैसे कि आपने बोला एमएस धोनी का नाम लिया, इतने बड़े लेजेंड का सचिन तेंदुलकर सर का आपने जो नाम लिया है तो मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया है कि जो डॉक्टर साहब हमारे जो बॉलिंग कर रहे थे उनका जर्सी नंबर है 007, एमएस धोनी का भी जर्सी नंबर उनका, और आरिफ जो बॉलिंग कर रहे थे उनका जर्सी नंबर है 10 जो कि सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर था, तो ये जो है कॉम्बिनेशन है ये क्या है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, दोनों भी काफी अच्छा बॉलिंग किए हैं और अपनी टीम के अच्छे पोजीशन पे लाके आपको खड़े करते हुए दिख रहे होंगे। जरूर जरूर अच्छी बात यहाँ पर और बहुत अच्छा कैच कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ सदीप भाई और एक अच्छा कैच यहाँ पर एक मिलता हुआ कमाल का ये कैच। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही डिफिकल्ट कैच होता है, बॉलिंग भी करो और फिर वो जो रिएक्शन टाइम आपके पास में बहुत ही काफी कम सेकंड का होता है, और ये कैच जो पकड़ा है बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कैच है मेरे इंस्टाग्राम पेज के रील पे डालूं कि ये कैच से थोड़ा आशीर्वाद और थोड़ा वायरल हो जाए। और खिलाड़ी देखते हैं कि आपको प्रमोट करेंगे और उस वक्त पिछले मैच के हीरो आए हैं इस वक्त के बीच अक्षय शर्मा, अच्छी बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में एस ने की थी, धमाका किया था एक छोटी सी इनिंग की लेकिन बहुत स्वीट इनिंग उन्होंने पेश की थी विद द बैट, नेक्स्ट देखना होगा इस मुकाबले में किस प्रकार से इंपैक्ट डालेंगे। पहली गेंद यहां पर बैठा मौका 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 लेकिन मौके को तलाश नहीं कर पाए, मौके को यहां पर कन्वर्ट नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच यहां पर छूटता हुआ और एक बड़े बल्लेबाज में यहां पर मिला है मौका। जी हाँ ये कैच भी छूटा है मैच छूटा, मैं जाकर आपको बता दूं कि ये अक्षय जो है ये हम साथ में स्कूल में थे, हमने एक ही स्कूल से पढ़ाई किया हुआ है और मुझे पता है बहुत ही डेंजर बैट्समैन है और काफी टाइम मैंने उनके साथ में क्रिकेट खेला हुआ भी है, और ये राहुल गांधी ने कैच छोड़ा है ये देखना आने वाले टाइम में कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है। और सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूंगा गुप्ता जी जो स्टांस है जो अक्षय स्टांस से नोटिस कीजिए उसके गौर कीजिए कितना बढ़िया स्टांस है कितना बढ़िया फुटबॉल फुटबॉल उनका डेफिनेटली चर्चा जरूर होगी इन सभी को बातों की लेकिन किसी भी दबाव है या थोड़ा सा आशीष के ऊपर, आशीष को पिछले मुकाबले में अंतिम ओवर लेकर बुलाया गया था लेकिन यहाँ पर प्रमोट किया आशीष को, जो यहाँ पर स्मैश किया गेंद को ऑन साइड में डालने की कोशिश थी
लेकिन इसी बीच एक सिंगल रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और दो ओवर खेल समाप्त होता हुआ और इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम में यहाँ पर नजर आ रही है और टोटल रन बने 46 रन, एक कमाल की शुरुआत यहाँ पर और लाजवाब वो फायरिंग यहाँ पर सुन रहे विकेट के बीच विद द बैट रेड एविल्स की तरफ से और एक अच्छी बढ़त बनाई है तरह का ओवरऑल इनिंग खत्म होता तो आज हम लोगों को कैमरे में सपोर्ट जीत के लगी एक इनिंग खत्म होता तो आ जाएंगे पानी के लिए डबल डबल का ये ओवर पहली गेंद यहाँ पर डॉट के रूप में रही फिर से एक बार मंडा तैयार हो चुके बहुत अच्छी कोशिश की डीप में सुल्तान थे वहां पर और सुल्तान यहाँ पर छाते हुए मैदान के बीच में कमाल की ट्रेनिंग सुल्तान की तरफ से देखने मिलते हुए बहुत ऊपर की तरफ छलांग लगाई और नजर बनाई बॉल के ऊपर बहुत कम रिएक्शन ऑफ द सेकंड होता है इस प्रकार से के बॉल को स्टॉप कर पाना लेकिन सुल्तान ने बहुत इजीली यहाँ पर दिखाया है यहाँ पर वाइट बॉल डबल ट्रबल का ये ओवर है और डबल ट्रबल में आप जब इस प्रकार से फील्डिंग करते हो तो आपको विश्वास गेंदबाज का यहाँ पर इक्कीस होता हुआ नजर आता है और इस प्रकार से देखिए फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग हुई है कमाल की फील्डिंग यहाँ पर रुकी है अच्छे से शर्मा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि और बोल रहे हैं कि ये बॉल कैसे यहाँ पर रुका गया कमाल की फील्डिंग यहाँ पर करते हुए अंकित और बॉल को यहाँ पर रोका है जरूर दो सिक्सर्स इस ओवर में रुके गए हैं डबल ट्रबल के अब तक और फिर से एक बलिष्ठ की चाहत लेकिन इस वक्त बिजली गेंद के रूप में यहाँ पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं इस गेंद पर और डॉट बॉल की होती हुई समाप्ति फिर से एक बार बॉलर सैया आनंद भाई के बीच में गेंद थी फाइन लेग की तरफ गई वहां पर एक सिंगल रन मिला और अब अक्षय शर्मा ऑन साइड रहेंगे दो बार हार किया अक्षय शर्मा ने लेकिन दोनों भी दोनों उनके प्रयास असफल रहे बैटिंग अच्छी हुई लेकिन लेट्स सी देखना होगा और ये प्रयास यहां पर सक्सेसफुल हुआ है इस प्रकार से 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान मिशन कंप्लीट हुआ भारत का साउथ पोल पर पहली बार किसी ने अपना चंद्रयान लैंड कराया चंद्रमा पे उसी प्रकार से यहाँ पर इस मुकाबले में भी दो असफल प्रयास और तीसरा जो अटेम्प्ट था यहाँ पर इस ओवर में बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है अक्षय शर्मा का और शानदार छक्का आया है चंद्रयान तीन सफल और तीसरा अटैक भी अक्षय शर्मा का सफल अच्छी बल्लेबाजी करके यहाँ पर आउट होते हुए कमाल की बल्लेबाजी की विद द बैट छावी इन्होंने और अब खेतन गए हैं नए बल्लेबाज जर्सी नंबर 1440 लड़की देखना होगा अपने टीम के लिए यहाँ से कितना रनों का कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे ओवर नंबर 5 यहाँ पर शुरू है अंकित के रूप में पिछले मुकाबले में रनआउट के रूप में विनय शेट्टी को इन्होंने आउट किया था अंकित ने और जो आत्मविश्वास उनका है और जो उनकी शक्ति है वो यहाँ पर बड़ी बढ़ती नजर आएगी इस मुकाबले में पिछले बार बेहतर गेंद लाजवाब गेंद यहाँ पर केतन के लिए जलद गेंद थी ये समझ नहीं पाए पूरी तरह से और समझ नहीं रही नीचे की तरफ से लो गेंद रही है और डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई सुल्तान हालांकि फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं भिवंडी के सुल्तान खान को देखते हैं जो कि एक बहुत जबरदस्त स्विंग के सुल्तान की पहचान है क्रिकेट में उसी नाम की खिलाड़ी सुल्तान बहुत जबरदस्त मूवी भी हमने देखी सलमान खान की ऊपर आसमान नीचे जमीन बीच में जरा जुनून सुल्तान और सुल्तान है इस वक्त मैदान के बीच में कमाल के साथ यहाँ पर प्रदर्शन देखने मिलता है उनकी तरफ से और
छह बल्लेबाजी तो मिनटों के बीच सीरीज के लिए बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से ट्रॉफी हमें दी गई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैच के बीच में गेंद थी, गन्ने से खिलाड़ी आए, गाली की कोशिश है, जोरदार अपील है यहाँ पर, लेट्स सी अंपायर का डिसीजन क्या। ओ यू थ्री आउट यहाँ पर बल्लेबाज, अपने विकेट का शिकार किया है यहाँ पर, छोटे से नन्हे से खिलाड़ी है, इसीलिए क्रिकेट में कहा दोस्तों कि आप कभी भी किसी भी खिलाड़ी को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, और यहाँ पर अंडरएस्टिमेट किया अक्षय ने, उनके हाथों में गेंद थी, रन बनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हिट लगाया, और यहाँ पर अक्षय शर्मा बैक टू डग आउट, बड़ी विकेट मिली है। अगर बात की जाए तो रनआउट के रूप में उन्होंने दोनों ही मुकाबले बड़े बड़े शिकार किए हैं, और इसी बीच यहाँ पर एक और बेहतर गेंद और देखना होगा डबल चार्ज है, लेकिन मात्र केवल एक सिंगल रन यहाँ से मिलेगा, ओवर नंबर ओवरऑल यहाँ से अब पांचवा और पांचवे ओवर की ये अंतिम और आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर में। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सिनेपा फाउंडेशन, थैंक्स टू न्यू A1 मोटर्स, थैंक्स टू जगी पटेल, साजिद पटेल जी, यशोदा एंटरप्राइजेज, वाटिका हाउस और प्रो यूथ फाउंडेशन, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने प्रतियोगिता को सजाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें सपोर्ट किया, उन सभी का धन्यवाद, और थैंक्स टू अजय वेस्टीज चैनल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान आए गेंदबाजी के लिए, टॉप साइड में सिंगल जाते हैं यार, आपकी विकेट के लिए तो अपील है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ऊपर आसमान नीचे धरती, बीच में सुल्तान का जुनून। सफलता सुल्तान के नाम, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, हालांकि कॉन्फिडेंस पूरी तरह से यहाँ पर चार खाने जो है ठीक कर देते बल्लेबाज के पूरी तरह से गेंदबाज, और आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ा है डॉक्टर अभी, क्योंकि उन्होंने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स को बाहर किया, उनको मात दिया, और अब सेकेंड मुकाबले में यहाँ पर रेड डेविल के सामने भी अपनी पकड़ अच्छी बनाई है, तो बॉल और यहाँ पर अच्छा शो करेंगे कमाल का STPL सिक्सर आता हुआ छह रनों के लिए, ये तो बहुत सम्मान का ये देखने मिला, और यहाँ पर जाते हैं रन लेकिन रोकेंगे बल्लेबाज जरूर, एक शानदार छक्का जरूर आया है अंतिम आखिरी ओवर में, यहाँ पर चाहेंगे कि एंड को यहाँ पर अच्छा कैच किया जाए, और एंड को अच्छा किया है टाइम एंड डिस्पैच सीधे हमारे कैमरामैन के सर के ऊपर से छह रन के लिए, ये शानदार जबरदस्त Thank you.
चेतन देला पानी के ना कौन अरमा बॉलिंग नहीं तैयार होते हुए मेरी गेंद यहां पर क्लीन 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 बॉल दो माइनस होंगे ओवरऑल लाइक दोनों बल्लेबाजों को बैटिंग करनी है तो यहां पर नहीं इनके कोई चार्ज नहीं और एक और डॉट बॉल अरमान तैयार होते हुए गेंद बाजी के लिए पिछले पर अरमान जो जगह का टीम में वो अरमान यहां पर दर्शाया है शिवम एक विकेट ए शिवम और दो रन ओवर अच्छा स्ट्रोक है ऑन साइड में लेकिन रन आउट की विकेट यहां पर मिलती है मतलब दो रन और माइनस हो जाएंगे एक ही का आया है डबल डबल के हिसाब से वो दो रन और दो बार विकेट मतलब चार माइनस अरमान भैया के सामने की तरफ ये तीसरा विकेट सेलिब्रेशन है यहाँ पर अरमान का और चेहरे पर देखिए खुशियों की का आनंद देखने में मिला हुआ ऑन साइड में तीसरे पर यहाँ पर रोका है रनों की पूरी कोशिश नहीं है और इसी के साथ अब एक ओवर समाप्त हुआ है और तीन बार गिर गए हैं एक बार सिंगल रन आया मतलब चार माइनस यहाँ पर शुरुआत के बल्लेबाजों ने इतना अच्छा कारनामा यहाँ पर नहीं किया है क्या नहीं गेंदबाजी के लिए अरमान ने अर्नव थे हमें नाम यहाँ पर हम अपडेट किया गया है अर्नव थे गेंदबाजी के लिए इसी गेंदबाजी के अर्नव ने ओवरऑल टीम पर आउट किया बल्लेबाज को अपनी टीम को एक अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर गए हैं बहुत अच्छा यहाँ पर पूरे संपूर्ण खांडी प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि जूनियर से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी खिलाड़ियों को मौका दिया उन्होंने खेलने के लिए और सभी को खेलने के साथ साथ उन्हें बल्लेबाजी मिलनी चाहिए गेंदबाजी मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बारीकी से मतलब अच्छा है यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी दूसरे ओवर के लिए यहाँ पर आए हैं और दूसरे ओवर में काफी इस वक्त यहाँ पर बहुत अच्छी रही कोई गलती नहीं है यहाँ पर बल्लेबाज बड़ा जरूरी लेकिन वॉलीबॉल में देखते खिलाड़ी पास देते उसी प्रकार से ये हल्का सा यहाँ पर अंदर की तरफ धकेला और सेव किया है अपनी टीम के लिए पांच रन टोटल बिल्कुल और यहाँ पर देखना होगा एक मात्र सिंगल रन मिलता हुआ आशीष को
अच्छी जीत बाकी करते हुए टोटल 87 रनों का लक्ष्य है जीत के लिए। और वहाँ पर जारी जारी तैनात है डीप में कीर्तन के हाथों में गेंद एक कितने में दबा और दो ओवर का समाप्त हुआ है। दो ओवर चार रन एक विकेट लग गए ऊपर और मुकाबले में एयरपोर्ट लेके जा अबे के लिए आएंगे मतलब वन प्लस वन दो रन मिलेंगे। एक बार नितिन भैया सामने की तरफ है गाड़ी है वहां पर तैयार और बल्लेबाज मुझे नहीं पता ना सुल्तान के लिए उल्टा बॉल है और यहाँ पर सीधे गिर गई है दर्शक दीर्घा में आते ही आते हैं यहाँ पर प्रहार आक्रमण और ये तीसरा लगातार का ये तीसरा वाइट हाइलाइट देखने मिलता हुआ विकेट से दबाव है अर्जुन के ऊपर क्योंकि एक शानदार छक्का आया था कप्तान के बल्ले से कुलटॉस के भी इसके बाद यहाँ पर दबाव साफ साफ नजर आता हुआ अर्जुन के ऊपर और पूरी तरह से अब क्या यहाँ से कमबैक करेंगे पलट बात करने के लिए देखना होगा और इतना उठा भाई और ये पूरा भी करेंगे और दो शानदार छक्के दो ओवर में सुल्तान के बल्ले से और तीन ओवर खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब डबल ट्रबल और गेंद के लिए ओवर यहाँ पर रहेगा भारी ओवर के बाद देखना होगा। अक्षय शर्मा को लाया गया है मोर्चे पर ओवर नंबर चार लेकर सुल्तान ऑन साइड 26 रन स्कोर कार्ड पर बने अभी भी 18 जितना खेल अभी ओवरऑल बाकी है। अच्छा गेंद 65 रन जीत के लिए 65 से 18 में 12 आ गए तो भी चले जाए। हेलो 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 हाँ फाइव रन की आवश्यकता रहेगी जीत के लिए ओवरऑल विनिंग बॉल्स में और
सुल्तान की विकेट मिली है, मतलब 5 माइनस भी हो जाएंगे इस ओवर में। बल्ले को भूल गए ऐसा लग रहा है। विदाउट बैट किए पीछे दौड़कर लगा कि 100 मीटर का ये मैराथन शुरू है सुल्तान के लिए। सीधे भागकर आउट ऑफ द बॉक्स गए हैं। लोअर गेम टेकिंग वाइट बॉल। आज में हालांकि ग्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गेम को और पिचिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको काफी मेहनत कमबैक करना है तो सीधे यहाँ पर क्लीन बोल्ड के रूप में बल्लेबाज आउट। दूसरे विकेट मिलते हैं इस वक्त अक्षय शर्मा को, मतलब 10 माइनस। ये बल्लेबाज के रूप में वैभव जर्सी नंबर 5050 रन अब गए हैं महेंद्र, लेकिन देखना होगा क्या यहाँ से कमबैक दिलाएंगे अपनी टीम को। पता चल रहा है ये ओवर अभी भी ऑन गोइंग है। लेकिन और पूरी तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं मजाते भी एंजल एवेंजर्स इस प्रकार से लगा था कि तब पारी से बेटा यहाँ पर देखने मिलेगा। लेकिन कमाल की गेंदबाज भी अच्छे है। शर्मा की तरफ से 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और -10 रन तो टीम के लिए और अब गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 5 लेकर सीजन आए हैं। 22 रन बनाए हैं और अभी भी 7 रन की आवश्यकता है जिसके लिए 12 गेंद से 7 रन। फ्री बॉल में यहाँ पर और बैकवर्ड आदेश करना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा ये बड़े स्ट्रोक। और यहाँ पर एक बड़ा सा कैच, कमाल का कैच यहाँ पर और बल्लेबाज आउट, वही दो बैक टू आउट। बल्लेबाज जरूर आए हैं, दबाव है 11 गेंद के 7 रन की आवश्यकता है ठीक है। टीम तैयार हो जाएगी फिर से एक बार। एक बॉल यहाँ पर आउटसाइड ऑफ स्टंप, एकमात्र सिंगल रन यहाँ पर मिला है। हालांकि अभी भी मैच बहुत दूर है, 12 गेंद की नहीं। फुल टॉस बॉल है और यहाँ पर फील्डिंग बेहतर भी है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। कमाल की नजर यहाँ पर गेंद के ऊपर है और ये भले ही रिफ्लेक्ट हुई थी कि डाइवर्ट भी, लेकिन अच्छी फेरी वहां पर देखने मिली। पकड़ के भाई फुल टॉस जा रहा है, टप्पा घुमा बॉल को। लेकिन मार के लिए अच्छी गेंद चाहते हैं विकेट, लेकिन नहीं, एकमात्र सिंगल रन यहां से मिलता हुआ और पूरी तरह से यहां पर जो मैच है और पूरी तरह से बनता हुआ रेड डेविल्स के लिए। पकड़ बनाई है, फुल टॉस खेल रहे हवा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। एकमात्र सिंगल रन मिलता हुआ, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के साथ सहारे बैठे हैं। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे है, वो जिंदगी मौत है दोस्तों जो हिम्मत के हारे हैं। हिम्मत यहां पर दिखाना पड़ेगा मुकाबले में, जान डालनी पड़ेगी इस मुकाबले में जीत के लिए। और लेट्स सी, अभी तक यहां पर कोशिश शुरू है और इसी बीच एक और बेहतर गेंद और डॉट बॉल समाप्ति होती हुई 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 5 ओवर के बाद रन संख्या 34 रन स्कोर कार्ड पर जीत के लिए स्थित। डबल डबल के बाद एट द एंड अब 6 गेंदे और 65 रन तो ये पॉसिबल है कि ये मुकाबला जीत पाना टीम के लिए। और इसी बीच एक अच्छा सिक्सर आया है पूरा मयंक के बल्ले से। खेलते हुए वही मयंक इस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये सेकंड इनिंग है, लगातार 2 गेंदे 2 सिक्सर। हालांकि और कमाल के 2 सिक्सर जड़ते हुए अब तक तीसरी गेंद रहेगी ओवर की और ये थर्ड इनर हो 3 गेंदे 3 सिक्सर, लोगों के दिलों पर राज कर
और यहाँ पर ये देखना होगा पार्टी सीखने का है।